Hi, this is Patrali Chattopadhyay and you all are watching Bazooka TV. Dolly! मैंने आपसे अपने सुहाग के लिए भीख मांगी, तब भी आपने मेरी बात नहीं मानी। मजबूरन मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। त्रिशूल से शरीर के दो टुकड़े कर दोगे। हटो सामने से, हटो मैंने कहा, हटो। मुझे चुनौती देने की गलती धोखे से भी मत करना, क्योंकि जब बात मेरे सुहाग की आएगी तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। Alright, thank you so much for joining us, ma'am. Looking so beautiful. Thank you. Scene भी चल रहा है hospital में, generally लोग भगवान के यहाँ दुआएं मांगते हैं, है ना, कि भाई भगवान आशीर्वाद करें, भी XYZ ठीक हो जाए। लेकिन इस बार भगवान खुद बन गए, ये बात। हाँ। भगवान का रूप ले लिया, दुर्गा जी का रूप ले लिया, तो प्लीज बताइए क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों ये सारी सिचुएशन बन रही है? झनक कोलकाता में वापस आ गई है और हमने देखा कि झनक काम के सिलसिले में वापस आई थी और आते ही उसे पता चल गया कि सर जी अनी इज़ नॉट वेल और हॉस्पिटल वो पीछे पीछे आ गई है। और झनक इस बार जो आई है, वैसे तो झनक को हर बार हम बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं, बट इस बार शी हैज़ कम बैक विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ सिर्फ फिनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमन नाउ, शी इज़ वर्किंग, और वो मेंटल स्ट्रेंथ भी है और दिल से जो अनी के लिए उसके लिए प्यार है, वो हमेशा उसको दबाने की कोशिश करती है, वो भी है। और प्यार से ज़्यादा स्ट्रेंथ तो इंसान को बहुत, मतलब प्यार से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमने देखा नहीं, कि प्यार में जितना स्ट्रेंथ है पैसों में वो भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो और एक रीज़न है कि आदित्य कपूर इज़ अ वेरी नोन पर्सनैलिटी और आदित्य कपूर का भी सपोर्ट है। आदित्य कपूर ने भी कोशिश की होगी कि यू नो झनक को अपना गर्लफ्रेंड बना लो और वॉट एवर, वो भी उसने भी देखा कि यू नो फ़ायदा नहीं है, एंड ही बीइंग अ वेरी नाइस पर्सन उसने बोला ठीक है चलो, मन ही मन में आई विल सपोर्ट यू। और आदित्य कपूर के साथ भी वो आई है और इस बार भी बासु फैमिली ने कोशिश की कि झनक अनी तक ना पहुँचे, क्योंकि दिल से हम भी ये बिलीव करते कि झनक इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर अनी, अर्शी इज़ द राइट वूमन फॉर अनी। तो इसीलिए देखा जाए तो उस तरह से तो हम भी अनी के लिए अच्छा ही चाहते हैं, बट हम जो अच्छा चाहते हैं वो अनी के लिए शायद अच्छा नहीं होता है। तो इस बार भी हमने कोशिश की कि झनक अनी तक नहीं पहुंच पाए, बट क्योंकि झनक इस बार बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके वापस आई है और उसने क्वाइट लिटरली वो सबको दिखा दिया है कि भगवान से कुछ कम नहीं हूँ मैं, सुहाग पर बात आए तो मैं भी ये रुद्र मूर्ति ले सकती हूँ, और हम भी ऐसे यू नो क्वाइट लिटरली हक्का बक्का हो गए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो तो एक यू नो सरियल ये था समझाने की कि यू नो क्वाइट शी कैन वुमन कैन बिकम लाइक दैट, उसके प्यार पर वो बात आए तो, पर हम डर गए क्वाइट लिटरली, और ना तो मैनेजमेंट, ना तो हॉस्पिटल के कोई अथॉरिटी, ना तो डॉक्टर रोक पाए उसे, और झनक पहुंच जाती है अनी के पास। लेकिन झनक का ये अवतार मुझे नहीं लगता शो में आई थिंक 300 से ज़्यादा एपिसोड हुए हैं। हाँ, टच इट। दैट्स अ ट्विस्ट। हाँ, और क्योंकि हमने उसे बहुत दबाने की कोशिश की है, एक पॉइंट पे तो उसका जो पेशेंस है वो टूटेगा, एक पॉइंट पे वो तो आएगी कि देखो मैं भी कर सकती हूँ, मैंने किया नहीं बिकॉज मेरी परवरिश ऐसे नहीं है, पर मैं भी कर सकती हूँ। और सुहाग पर जब बात आए, क्योंकि दिल से अभी भी झनक मानती है कि वो अनी के साथ, वो अनी की पत्नी है, हमने कितना कितनी भी कोशिश की, क्योंकि शुभो ने कोशिश किया कि खारिजनामा में साइन करके उसकी जो ये है शादी है उसको तुड़वाई जाए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थैंक यू। आई होप लोग जैसे आपको अभी तक इतना प्यार दिए और आगे भी इतना प्यार करते रहे। यस, आप सब ने झनक को इतना प्यार दिया है एंड नो वंडर वी आर एट टॉप 2। आप लोगों के प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं होता, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।